हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है यहाँ पे खूबसूरत क्रिकेट एक्सपर्ट रीमा जी और सुषमा हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू। और ये जो लाइव है ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि काफी चेंजेस हमने किए हैं, लेकिन आज मैदान में क्या कुछ होगा इसके बारे में खूब सारी बातें होंगी। तो 13वां सीजन है, 13वां मुकाबला है, तो ये जो 13वां मुकाबला है इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक तरफ होगी मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ होगी किंग्स 11 पंजाब। और हम आज ये भी पूछेंगे कि किसका पलड़ा आप दोनों को भारी लग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक मुकाबला छिड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले शुरू करते हैं कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या होगा, कैसे रोकेंगे? आई थिंक दोनों अभी जिस तरीके के दोनों के स्टैट्स है, अगर आप रिकॉर्ड्स पे जाओ तो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और 222 रन और 21 रन, आई मीन दोनों में खुद में कंपटीशन है वो ऑरेंज कैप के लिए, वेरी गुड। बट एक मैं कहूँगी कि अगर ये दोनों लंबा खेलते हैं बहुत अच्छा है किंग्स इलेवन के लिए, कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर अभी एक्सपोज नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि जिस मोमेंटम में दोनों हैं उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करें और इस मैच में भी वैसा ही खेले, मिडल ऑर्डर ना एक्सपोज हो जाए। जब हम मेकअप रूम में मेकअप करा रहे थे तो आपने ये बात बोली थी कि कल जो हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स की वही कमी थी कि मिडल ऑर्डर ना एक्सपोज हो जाए, और वो कल हुआ। और अब तक हमने देखा है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जब तक खेल रहे हैं तो एकदम डेंजरस पेयर है ओपनिंग का, लेकिन अगर मिडल ऑर्डर वाली परेशानी आ जाए, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल चल नहीं रहे, करुण नायर भी कुछ खास नहीं कर रहे, क्या होगा फिर? देखिए, हाँ ये हो सकता है क्योंकि कल एक्सपोज हुई है राजस्थान रॉयल्स की मिडिल ऑर्डर, और अभी तक किंग्स इलेवन पंजाब का भी मिडिल ऑर्डर इतना कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि दो जो ऊपर बल्लेबाज है ना वो कहते हैं हम किसी की बारी आने ही नहीं देंगे, हम नहीं आने देंगे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, क्योंकि आज जो कॉन्टेस्ट है ना, अगर मैं टॉप ऑर्डर देखूँ किंग्स इलेवन के और बोलिंग अटैक देखूँ मुंबई इंडियंस के, पेसर वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स हैं इस आईपीएल में, तो अगर बाई चांस शुरुआती झटका लगता है तो देखना होगा क्या मैक्सवेल और पूरन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, क्योंकि काबिलियत है, क्योंकि पूरन का जिस दिन आता है ना वो पूरा पूरा मारते हैं और उनका उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया। सोच रहे दिन कब आएगा उनका फील्डिंग में तो वो बेहतरीन कर रहे। मैंने फिर भी मानना है कि एक दिन में 11 खिलाड़ी नहीं चलते हैं, जिस दिन उनका मौका आएगा डेफिनेटली उनको लगेगा कि आज मेरी टीम को जरूरत है और मुझे आज ज्यादा रैश शॉट्स नहीं खेलने, रिस्पॉन्सिबल शॉट खेलने, तो ये बैट्समैन दोनों है ना अलग नजर आएंगे। अब मुझे लगता है कि जो मुकाबला यहाँ पे छिड़ने वाला तो उसको शुरू करते हैं। मैं बीच में यहाँ पर आती हूँ तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर, हम सुषमा से शुरू करते हैं, किसका पलड़ा भारी है आपके हिसाब से? ऑफकोर्स किंग्स इलेवन मुझे लगता है, बिकॉज मैं किंग्स इलेवन को सपोर्ट कर रही हूँ, ऑल दो मुंबई इज माई ऑल टाइम फेवरेट, बट स्टिल आज जब डिसाइड करने की बात आई ऑफकोर्स पंजाबी, आई मीन दिल धड़कता है यार उनके लिए। ये देखिए यहाँ तो पंजाब के लिए सबसे अच्छी बात है कि दोनों ये टीम्स का जो मुकाबला है ना, दोनों वही टीम्स है जो अपना लास्ट मैच बहुत कहते हैं ना कि आप आखिरी दम तक अच्छा खेलते खेलते हारी है, तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ लर्निंग्स, बिकॉज आप जब जीतते हो तो कवर अप हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस एफर्ट रहेगा टीम की ओर से कि आप दोनों वही टीम तो जो सुपर ओवर भी खेली हो, तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला जो है ना, और जहाँ दोनों मैं कहूँगी कि अगर इधर मोहम्मद शमी और कॉटरेल जिस फॉर्म में है और उधर अगर जसप्रीत बुमराह और जिस तरीके के, आई मीन बॉलिंग अटैक में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ऑफकोर्स सबकी स्पेशलिटी अलग है, बट डेफिनेटली कंपटीशन सॉलिड रहेगा, टॉप ऑर्डर इधर भी और उधर भी फायरी रहने वाला है और यहाँ पे भी खूब फायरी है ये मुकाबला। आप बताएं आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? वैसे तो हम पंजाबी हैं, लेकिन आज आमची मुंबई पे है मेरा दांव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज है वो मुंबई को है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैच विनर्स देखोगे सबसे ज्यादा मुंबई के पास है, पेस अटैक ट्रेंट बोल्ट ने पिछले मैच में पहला ओवर मेड इन फेंका था, जसप्रीत बुमराह वो रंग में नजर नहीं आए लेकिन उनके पास वो काबिलियत डेफिनेटली है, लेकिन मैंने सुना है, आप मुझे ठीक करें अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कि बुमराह को खेल जाते हैं केएल राहुल, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन देखिए रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ने के लिए बनते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं, ऐसा बोल रहे हैं रीमा जी यहाँ पे पंजाब के लिए, पंजाब के डेथ बॉलर्स जो है भाई उसमें थोड़ा हो जाता है गड़बड़। बात कर सकते हैं डेथ बॉलर्स के बारे में कि बहुत ज़्यादा रन्स दिए लास्ट 5 ओवर्स में, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉलिंग आपने गंदी की है, बट समटाइम्स आपको बैट्समैन को भी क्रेडिट देना चाहिए कि अगर सामने बैट्समैन इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी खेलते हैं
आई मीन राहुल तेवतिया जिस तरीके की उन्होंने ये इनिंग खेली अभी तक की लीग में, आप जिस इनिंग के बारे में कभी आप भूल नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं किंग्स इलेवन को जो आई मीन मोहम्मद शमी कॉटरेल को जो तारे दिखाए हैं ना, और मैं ये नहीं कहूँगी कि गंदी बॉलिंग थी, दे वर ट्राइंग यॉर्कर्स, जस्ट टू एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कि आप यॉर्कर्स डालने की कोशिश कर रहे हो, आपसे फुल टॉस गिर रहा है और जब बैट्समैन के पास जब सामने आई मीन दे जस्ट हैव टू स्विंग तो आपके पास बहुत रेयर चांसेस होते हैं बचने के, बट यस कॉन्टेस्ट इज ऑन। अगर इधर हमारे पास मोहम्मद शमी है उधर जसप्रीत बुमराह है, मैं तो कहूँगी आज का मुकाबला बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने। देखिए मुझे लगता है कि क्या ये गेंदबाजी वर्सेस गेंदबाजी का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो तगड़ा लग रहा है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। बैट है क्योंकि दोनों टॉप हैवी साइड्स हैं, दोनों के पास अच्छे हिटर्स हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं जो ग्राफ्टर भी हैं हिटर भी हैं, तो टॉप हैवी साइड है दोनों हैं। डेथ बॉलिंग थोड़ा कंसर्न पंजाब की हो सकती है जो इनको संभालनी होगी, और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की भी एक कमजोरी है जिनको उनको रेक्टिफाई करना होगा, जो उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है। कुणाल पांड्या अभी तक वो रंग में नजर नहीं आए, इतना एक्सपीरियंस नहीं है राहुल चहर के पास भी, तो वो इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा बल्लेबाजों को और नीचे गेंदबाजों को। हाँ पे पेसर्स को तो प्लेस टू लुक आउट फॉर हमारे दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से कौन होने वाले हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्लेस टू लुक आउट फॉर पंजाब की टीम। के एल राहुल इज देयर डेफिनेटली, वी आर होपिंग मयंक अग्रवाल जिस तरीके के टच में और जिस तरीके के प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स वो खेल रहे ना, लुक्स लाइक एफर्टलेस बैटिंग, वो ऐसा नहीं लगता है, बहुत ही आई मीन उनके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है और प्रॉपर वी में देखो आप उनका वैगन मिल तो कितना अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद मैं कहूँगी कुलदीप सॉरी बिश्नोई रवि बिश्नोई यस सो बिश्नोई पे डेफिनेटली बिकॉज दोनों जिस तरीके का मोमेंटम मुर्गन अश्विन और बिश्नोई ने, वो आप कहते हो ना कि आपको अभी वो किक मिल गया है टूर्नामेंट में, आप बहुत अच्छे फॉर्म में हो, तो वो मोमेंटम कैरी ऑन करने की जरूरत है, आपके पास ग्राउंड बड़ा है, बट डेफिनेटली सामने थोड़ा सा चैलेंज है बिकॉज सामने मिडल ऑर्डर में अच्छे हिटर्स है, हार्दिक पांड्या किरण पोलार्ड आने वाले हैं, तो वो एक आई मीन अगर आप एज अ यंगस्टर आप ऐसे टाइम में उभर के और अच्छा करते हो ना, तो डेफिनेटली वो आपका करेक्टर शो करता है आप किस तरीके की आप प्रिपरेशन से आए हो, माइंड सेटअप आपका क्या है। लेकिन एक बात बताएं, शेल्डन कॉटरेल हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, लास्ट मैच में खूब पिट गए हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि मुझे उर रहमान आज खेलते हुए नजर आ सकते हैं कॉटरेल की जगह या फिर निशम की जगह, लेकिन निशम की जगह अगर खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वहां पे बैटिंग से भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आज के 11 में इतना ज़्यादा डीपली चेंज करने की ज़रूरत है, बट होपफुली नेक्स्ट गेम्स में बिकॉज जैसे जैसे स्पिनर्स की और ज़रूरत और विकेट आपके फेवर में होगा तो ऑफकोर्स वो 11 का हिस्सा बन सकते हैं आराम से, ही डिजर्व्स टू बी इन, बट अभी टीम कॉम्बिनेशन मुझे लगता है ये मैच में विकेट इज़ गोइंग टू बी फ्रेश। पिछले मैच में जिस विकेट पे वो खेले थे वो यूज विकेट था, डेफिनेटली आज का विकेट, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों गेम्स में फास्ट बॉलर का जलवा अच्छा देखने को मिला, और यहाँ तो है ही फास्ट बॉलर आपके पास बेस्ट है, तो फिर तो यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा हर जगह जलवा होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस के की प्लेयर्स बताएं आप। देखिए पांच तो मैं तो 11 ही बता सकती हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेइंग 11 है, लेकिन अब वो कहना आप मोती में से एक बेहतरीन मोती कौन सा चुनना है, मैं पहले टॉप ऑर्डर के साथ जाऊंगी, मैं आज रोहित शर्मा को रन करते हुए देखना चाहती हूँ क्योंकि कप्तानी बढ़िया हो रही है, उस खिलाड़ी के हाथ से जब रन आते हैं ना तो 160 की विकेट को 190 कर देता है, वो हम देख चुके हैं, तो रोहित शर्मा पे मैं दाव लगाना चाहूंगी। क्विंटन डिकॉक अच्छे हैं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन की इनिंग को कई बार जो होते ना 99 जो होते ना वो सोपे पे भारी पड़ जाते हैं। बड़े मुझे लग रहा था बड़ा ही दुख था उनको जब वो आउट हुए थे ना कि अरे यार एक फील होता है क्योंकि दोनों ही टीम आज मैच तो अच्छा होने वाला है, हालांकि मैं सपोर्ट मुंबई को कर रही हूँ, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन थी वो गलतियां सुपर ओवर में, जब मयंक अग्रवाल को आपने नहीं भेजा किंग्स इलेवन पंजाब ने और यहाँ से ईशान किशन ने नहीं भेजा, एक स्टेटमेंट आई थी कि वो काफी एग्जॉस्टेड थे, वो नहीं खेल पाते, इतना ड्रेन हो चुके थे, लेकिन 6 बॉलों खेलने के लिए आपको ज्यादा यू नो वो इतना फोर्स भी नहीं चाहिए था, आप रिकवर होते इसलिए एनर्जी ड्रिंक वगैरह बनी है और आपको आपकी टीम को जिताना है तो वो थकान पीछे कई बार रखनी होती है। और दूसरा मैं बॉलिंग में कहूंगी आज बुमराह, मैं चाहती हूँ उनको परफॉर्म करना, देखिए वो मलिंगा के बाद अगर कोई सबसे अच्छी यॉर्कर मारते हैं तो वो है बुमराह, अभी तक वो परफॉर्मेंस एक मैच में आई थी लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो उनको मैं चाहूंगी क्योंकि राहुल का थोड़ा पलड़ा है उसके सामने भारी है, तो आज वो कहीं बदला ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आप बताएं कि किंग्स इलेवन पंजाब को यहाँ पे सुषमा रिप्रेजेंट कर रही है, एक कमी जो आपको लगता है कि भारी पड़ सकती है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए मुंबई, मैं पंजाबी कमियां बताऊं? हाँ आप कमियां तो बताएं, पंजाब सुधर जाएगा ना फिर? अच्छा आप नहीं चाहते हैं कि आज सुधर जाए? नहीं, हमने वो कॉपी छुपा के रखी है, मैंने पहले ही कहना था कि कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग डेफिनेटली और डेथ बैटिंग भी।
पंजाब की थोड़ी वीकर साइड पे है। कॉटरेल का अगर हम रिकॉर्ड देखें कॉन्फिडेंस में थोड़े लो ज़रूर होंगे क्योंकि उन्होंने ट्राई किया लेकिन क्या वो ट्राई इनफ था। अगर आपने यॉर्कर मारनी थी वाइड यॉर्कर्स मार सकते थे जो टी नटराजन ने किया था। हाँ। वो चीज़ वो कमी उस टाइम भी नजर आई थी, पहले तीन मैचेस में भी नजर आई, और आज क्या वो अलग होमवर्क करके आएंगे या क्या वो खेलेंगे आज, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है, प्लेइंग 11 क्या होगा मुंबई इंडियंस की, क्या कुछ कमी आपको आज नजर आ रही है सुषमा? डिफिकल्ट है, वेरी सॉलिड बैटिंग लाइनअप, और अगर कहीं कमी नज़र आती है तो डेफिनेटली स्पिन डिपार्टमेंट में कहूँगी, बिकॉज राहुल चहरी वो भी इतना इफेक्टिव नहीं दिखे, जस्ट एक दो विकेट्स, और आप इकोनॉमिकली भी आप इतने ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कृणाल पांड्या से जो एक्सपेक्टेशन है ना एज एन ऑलराउंडर ऑफकोर्स, बट उससे पहले उनका गेंदबाजी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा अभी इतना देखने को नहीं मिला, तो मैं कहूँगी कि किंग्स इलेवन को वो दे नीड टू कैपिटलाइज ऑन दोज थिंग्स कि अगर आपके स्पिनर अच्छा नहीं डाल रहे सो दे कैन गो ऑल आउट। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे तो मुकाबला कड़ा है, यहाँ पे भी मुकाबला बहुत कड़ा है, तो कल एक बार फिर से हम हाजिर होंगे, आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, और आज किसको जोर का झटका लगने वाला है ये तो पता चलेगा हमको शाम को, लेकिन आप 7 बजे TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे आज मैच के बाद, पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, हमारे खूबसूरत क्रिकेट एक्सपर्ट्स होंगे और खूब सारी बातें होंगी, खूब सारा मसाला होगा। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।